तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया में हूँ। दोस्तों मैं आज आपको ऐसा एक देश के बारे में बताने के लिए आया हूँ जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको जो देश के बारे में बताने के लिए आ रहा हूँ वो देश का टोटल उसका पॉपुलेशन 1000 से कम है। हाँ दोस्तों, मैं जिस देश के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ वो देश का टोटल एरिया, वो एरिया इतना कम है कि गांव में एरिया जितना है वो इतना है। दोस्तों मैं जिस देश के बारे में आज आपको बताने के लिए आ रहा हूँ वो देश में अपना सिटीजनशिप मिलने के लिए अपना बर्थ राइट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ दोस्तों, मैं जिस देश के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ वो ऐसा एक छोटा देश है, उसमें सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए मैं वो देश के बारे में आपको बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, वो देश का नाम है वेटिकन सिटी। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे नहीं तो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो वो वेटिकन सिटी के बारे में, इतना छोटा देश है, मैं उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज ट्राई करूंगा। दोस्तों मेरा तरफ से आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरा चैनल में आप मेरा वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं ट्राई करूंगा आपको मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि अननोन थिंग से आपको बताने के लिए। तो दोस्तों चलिए मेरा सफर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वेटिकन सिटी है कहाँ। हाँ दोस्तों, ये वेटिकन सिटी रोम का बीच में रहता है और ये रोम शहर का पास में ही है। दोस्तों ये वेटिकन सिटी बना कैसा और क्यों बना है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। वेटिकन सिटी बनने से पहले उनका एक ही मेन एम था कि वेटिकन सिटी ऐसा एक सिटी है जिसमें जीसस क्राइस्ट, जो कि जो हमारा यूरोप का सबसे ज़्यादा माने जाने वाला जो भगवान जीसस क्राइस्ट, उनका जो गांव और उनका जो प्लेस, उसको वेटिकन सिटी बनाया गया है। जैसे कि उनका ये मानना है कि ऐसा एक देश रहेगा जिसमें भगवान जीसु ही उसमें रूल करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों वेटिकन सिटी में जो भी मैन है वो कोई नॉर्मल हमारा जैसे नॉर्मली हमारा देश का राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, मुखिया, और उधर मुखिया ऐसा नहीं है, वो देश का जो मेन है चीफ है उनको बोला जाता है पोप। पोप का आपको पता होगा दोस्तों, वो जीसस क्राइस्ट का असिस्टेंट माना जाता है। तो इसके लिए वो देश में पोप ही अपना सब कुछ पावर उनके पास रहता है। और वेटिकन सिटी में मैं आपको ये बता दूं कि वेटिकन सिटी इसके लिए बनाया गया है कि ऐसा एक देश रहेगा जिसमें जीसस उसमें राजनीति करेंगे, जीसस का जो बोलते हैं जीसस बोलते हैं उसके हिसाब में काम चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए वेटिकन सिटी बनाया गया है और ये रोम का आसपास में है और ये देश यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर रहता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि वेटिकन सिटी का टोटल पॉपुलेशन कितना है, ये भी आपको बता दूँ। दोस्तों इसका जो वेटिकन सिटी है उसका पॉपुलेशन है टोटल 825। आप ये सोचिए, कोई आप गांव को चले गए इंडिया का तो उसमें कितना रहता है लोग। तो ये एक सिटी है दोस्तों, ये एक कंट्री है, फिर भी कंट्री का मान्यता पाया है और इतना कम लोग है। हाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये कंट्री है और कंट्री में जो रहना चाहिए सभी कुछ उसमें है। इतना कम जनसंख्या है और उसका एरिया के बारे में भी आपको बता दूँ। दोस्तों उसका जो एरिया है वो होता है 100 acres। जैसे कि आप कोई इंडिया का कोई गांव में चले गए तो कोई एक कल्टीवेशन जो करता है उसके पास ही 100 acres रहता है, 100 acres रहता है, तो वो देश का टोटल एरिया 100 acres है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, मजेदार बात बता दूँ कि इस देश में इतना कम जनसंख्या है और इतना कम एरिया है, फिर भी ये देश को कैसे मान्यता मिल गया अपना एक देश के बारे में, देश के लिए, कंट्री के लिए। हाँ दोस्तों ये जो देश है, ये देश में एवरीथिंग फैसिलिटी है, ये देश में गवर्नमेंट है, ये देश में रेलवे स्टेशन है, ये देश में पोस्ट ऑफिस है और ये देश में रेडियो स्टेशन भी है, और इसके लिए ये देश एक देश होता है। दोस्तों ये देश के लिए अप्रूव पा गया है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, उसमें एक ही रेलवे स्टेशन रहता है जो कि हमारा वर्ल्ड का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है।
और ये रेलवे स्टेशन में आपको ये सुन के बड़े हैरानी होगी कि उसमें कोई रेलवे में बैठ के कोई लोग नहीं जाते हैं, पैसेंजर नहीं जाते हैं, वो रेलवे में ओनली उनका माल इधर से उधर लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसमें जो वेटिकन सिटी है वो ऐसा सिटी है, उसमें एयरपोर्ट नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको आकाश में उड़ के जाना है और हवाई में उड़ के जाना है तो इसके लिए आपको हेलीपैड है, हेलीपैड आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों वो ऐसा एक सिटी है जिसमें एक ही रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट इटालियन इटाली के जो रेस्टोरेंट है उसके हिसाब से बनाया गया है और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉनवेज खाने के लिए पसंद करते हैं और पास्ता मैगी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों मैं ये आपको ये बता दूँ कि इसका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का कुछ भी पावर नहीं रहता, वो प्रेसिडेंट अपना पोप जो भी निर्देश उनको देते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं वो उसके हिसाब में काम चलता है और उसमें न्यायपालिका भी है और हमारे देश की तरह एवरीथिंग सभी कुछ है, मगर उसमें एक ही जज रहते हैं, एक ही कोर्ट है और इसके लिए वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा क्राइम करते हैं, जैसे कि चोरी, पकड़मारी और इधर से उधर से चोरी करना उसमें ज़्यादा चलता है, तो इसके लिए वेटिकन सिटी को क्राइम सिटी भी बोला जाता है। दोस्तों आपको कैसे लगता है वेटिकन सिटी के बारे में? आप कभी जाएंगे तो आपको वेटिकन सिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा तो मेरे को मेरा वीडियो में आप ज़रूर बताइए और गए हैं तो बताइए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये लोग मतलब खाने पीने में बहुत शौकीन रखते हैं और ये लोग एक ही रेस्टोरेंट है फिर भी ये लोग बहुत सारा खाना वो रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो देश है ये देश में कोई आर्मी सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि हमारा देश में आर्मी फोर्स है, नेवल है और एयरफोर्स है, उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों उधर वो देश को सुरक्षा के लिए, वो देश का सिक्योरिटी के लिए एक फोर्स रखा गया है जो कि वो फोर्स पहले से 1526 में जब जूलियस सीजर थे आपको पता रहेगा उनके तरफ से वो गार्ड्स उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो गार्ड्स ही वो इन लोग पूरा देश को सुरक्षा देते हैं और उसका सेफ्टी कंसर्न पूरा देखते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ वेटिकन सिटी के बारे में, वेटिकन सिटी में कोई भी बच्चा 1983 से अभी तक पैदा नहीं हुआ। मैं आपको ये पहले बोल रहा था तो ये भी आपको क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ क्यों बच्चा पैदा नहीं हुआ। दोस्तों वो वेटिकन सिटी में एक ही मेडिकल है जिसकी वजह से मेडिकल का ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो इसके लिए लोग जब अपना बच्चा पैदा करने के लिए उधर ट्राई नहीं करते और कम भी लोग हैं, तो इसके लिए 1983 से उधर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और इसके लिए वो देश में जो भी हमारा देश का सिटीजनशिप, हम इंडियंस है दोस्तों, हम इंडियंस है ना, मगर इंडियंस कैसे है क्योंकि हमारा माता पिता इंडियंस है। हाँ दोस्तों इसके वजह से हम लोग इंडियंस है और हमारा माता पिता का वोटर आईडी कार्ड है तो हम लोग वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। मगर दोस्तों मैं ये आपको बता दूँ कि उधर सिटीजनशिप ना ऐसा माता पिता से नहीं मिलता है। दोस्तों उधर सिटीजनशिप मिलता है नॉट इन बर्थ राइट, उधर सिटीजनशिप मिलता है अपना जो सर्विस के ऊपर, जो लोग उधर काम करते हैं उनको और उधर जो रहते हैं उनको सिटीजनशिप मिलता है। दोस्तों सिटीजनशिप कभी भी चेंज हो सकता है और सपोज बाहर का कोई देश का लोग आके इधर नौकरी करते हैं और काम करते हैं तो उनको सिटीजनशिप एक बार वेटिकन सिटी का मिल गया, फिर भी क्या होता है जब उनका नौकरी छूट जाता है तो उनका जो पहले जो सिटीजनशिप था, जैसे कि इंडिया का कोई लोग आके उधर काम कर रहा है उसको सिटीजनशिप मिला है और बाद में उसको फिर इंडिया का सिटीजनशिप मिलना पड़ेगा, तो ऐसा है वेटिकन सिटी। और इतना बात आपको पता नहीं था तो शायद वेटिकन सिटी के बारे में आपको ये पता था कि वेटिकन सिटी है। दोस्तों ये वेटिकन सिटी उसके जो करेंसी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये वेटिकन सिटी का जो करेंसी है उसको बोलते हैं यूरो करेंसी बोलते हैं और ये रोम को बहुत सपोर्ट करता है। रोम का जो भी अपना कुछ भी अभी जैसे कि उनका कुछ क्राइम ज़्यादा हो गया और कोई लोग पकड़ा गया अपना जॉर्ज के द्वारा तो उसको क्या किया जाता है, उधर कोई जेल नहीं है तो ये इसके लिए इन लोगों को रोम को भेज दिया जाता है और रोम में उनका जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब में
को हैंड ओवर किया जाता है और वो लोग वैसा ही करते हैं। तो दोस्तों ये लोग बहुत अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। और आपको ये बोल दूँ कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतना छोटा सिटी है और उसमें ओनली 825 लोग है और उसमें ओनली मैं आपको बता दूँ 30 लोग जो कि लेडीज है, ये जो कि 5% रहता है अपना टोटल पॉपुलेशन का। अभी ये लोग का लिटरेसी रेट मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और इसके लिए इनका लिटरेसी रेट टोटल 99% है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ ये लोग जो भी इधर इतना कम लोग है फिर भी अपने 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 से बहुत प्यार में रहते हैं, सभी को वो रेस्पेक्ट करते हैं और जो उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं वो भी उन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और एक अच्छा बात आपको बता दूँ, इतना छोटा सिटी है और ये लोग इतना वाइन पीते हैं कि एक लोग अपना अपना एक साल में 84 लीटर वाइन पी जाता है और ये लोग वाइन पी के अपना अपना दिल अपना दिन को अपना जो रात को बहुत अच्छे से गुजारते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा देश में बहुत सारा हॉलीडे रहता है, बहुत सारा छुट्टियाँ रहते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, काली पूजा, क्रिसमस, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, ये सब बहुत सारा हॉलीडे रहता है। मगर दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो वेटिकन सिटी है उसमें हॉलीडेज नहीं मिलता है। दोस्तों उसमें दो ही हॉलीडे मिलता है, एक होता है क्रिसमस और एक होता है ईस्टर, जो कि ये दो दिन ये लोग हॉलीडे मानते हैं और दूसरा सभी दिन ये लोग काम में लगे रहते हैं। दोस्तों इसका भी मेल सिस्टम है, मेल सिस्टम जैसे कि हमारा इंडियन पोस्ट है उधर उनका मेल सिस्टम को बोला जाता है वेटिकन मेल। और ये मेल सिस्टम के हिसाब में उनका देश में एक ही पोस्ट ऑफिस है जो कि उनका मेल सिस्टम को कंट्रोल करता है। और उधर आपको पासपोर्ट, आपको जाना है तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचिए कि इतना छोटा देश है हम ऐसे ही चले जाएंगे, नो दोस्तों, अभी उसके लिए वो लोग भी उनका तरफ से पासपोर्ट बनाते हैं, जनरल पासपोर्ट बनाते हैं और उनका जो भी टूरिस्ट पासपोर्ट भी वो लोग बनाते हैं। आप कभी टूरिस्ट पासपोर्ट में जाएंगे तो एक बार घूम के जाके देख के आ जाइए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि वेटिकन सिटी जो भी फुटबॉल के लिए, फुटबॉल को ये लोग बहुत पसंद करते हैं और उनका एवरीडे कोई ना कोई लड़का फुटबॉल खेल में मस्त रहता है। दोस्तों मेरा ये जो वीडियो था आपको वेटिकन सिटी के बारे में आपको कैसे लगा आप मेरे को ज़रूर मेरा वीडियो जानने में बताइए और आपका जो कमेंट मेरे को इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए और आपको नया है तो मेरे वीडियो में आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मेरा तरफ से यही है कि मैं अभी मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप सभी लोगों को जय हिंद और बाय बाय।